मीरा प्रेम की अद्भुत कविता है। कृष्ण और मीरा के बीच समय का अंतराल लगभग 5000 बरस का है, फिर भी ये प्रेम जन्मा, क्योंकि प्रेम के लिए न तो समय का कोई अंतर है और न स्थान का। प्रेम जीवन का एकमात्र अनुभव है जहां टाइम और स्पेस, समय और स्थान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। मीरा के लिए कृष्ण समसामयिक हो जाते हैं, वो किसी और को दिखाई पड़े ना पड़े मीरा को दिखाई पड़ते हैं। इस तरह हर पल कृष्ण को जीती हुई मीरा किशोरी हो गई है। उसके सपने मयूर पंखी हैं कृष्ण से जुड़े हुए। उसकी पूरी दुनिया का रंग नीला है, श्याम रंग। उसकी आत्मा में संगीत बांसुरी की धुन से झलता है। वो सिर्फ कृष्ण को जीती है और कहती है, मैं तो गिरिधर के घर जाऊंगी। Yeah.
देते हुए चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। मीरा ससुराल को जाती है, पर कृष्ण के साथ, उसी मूर्ति के साथ। उसके कोरे बाल मन पर, उसकी आत्मा पर लिखा पहला नाम कृष्ण है, यही उसका अंतिम सच है। वो कह देती है पति से, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो मोर मुकुटधर श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। मीरा कृष्ण की सुध में डूबी मंदिर मंदिर घूमती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, तो कभी गाती है। एक प्रतिष्ठित कुल की बहू और कृष्ण की ऐसी दीवानी कि गली गली घूमती है, उसे पुकारती है, कुल की मर्यादा और लोक लाज सब त्याग कर। उसके ससुराल के लोग बहुत परेशान हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं
उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। कभी फूलों की टोकरी में सांप भेजकर, तो कभी विष का प्याला देकर, लेकिन मीरा पर सब कुछ बेअसर, क्योंकि मीरा तो कृष्ण के प्रेम का अमृत रस पी रही है। वो कह रही है, मैं तो गिरिधर के संग नाचूंगी। मैं तो अपने नारायण
परिवार को संत समाज में उसका उठना बैठना गाना बजाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पति की मृत्यु के बाद उसे सती करने की कोशिश की जाती है। मीरा इसका विरोध करती है। क्या तर्क है भला मीरा के पास? तर्क अकाट्य है। वो कहती है, मैं सती नहीं होऊंगी, मेरा पति तो मेरा कृष्ण है। और इस तरह परिवार में उसका